दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे करंट ट्रांसफार्मर जो कि हमारा सीटी होता है, करंट ट्रांसफार्मर कैसे चेक करते हैं। मान लीजिए आपका एक करंट ट्रांसफार्मर अगर खराब हो जाता है, कहीं पे आप इसको कनेक्ट किए हैं किसी मीटर के साथ, अगर आपका सीटी ये खराब हो जाता है तो आप इसको कैसे चेक करके पता लगाएंगे कि हमारा सीटी सही है या खराब है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको सीटी का कनेक्शन, इसका पूरा बेसिक जो भी रहता है, रेडियो से लेकर इसका कनेक्शन से लेकर सब कुछ के बारे में बताया हूँ। चाहे तो आप जाकर मेरा पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं इस वीडियो में बात करूंगा इसको चेक कैसे करना, जो आपकी ये सीटी रहती है अगर खराब हो जाता है आप इसको कैसे चेक करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको जान लेते हैं कि हम सीटी को कैसे चेक करते हैं। देखिए जो हमारी सीटी है, सीटी में हमारी जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो होती है हमारी रेशियो, जो कि आप यहां पे देख रहे होंगे सीटी में लिखी हुई है रेशियो, ठीक है। ये आपको बटा में आती है, जैसे यहां पे देखिए 100/5 करके यहां पे लिखी हुई है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पे लिख लेंगे रेशियो, ठीक है। ये हो गई हमारी रेशियो, जो हमारी सीटी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, रेशियो होती है, जो हमारी 100/5 पे ए वाली सीटी की है, ठीक है। आपके पास अगर किसी भी टाइप की सीटी है, देखिए हमारी सीटी जो होती है ना, ये जो सीटी होती है वो हमारी टू टाइप की होती है, ठीक है। ये हमारी टू टाइप की सीटी होती है, पहला होता है या तो 100/5 रहेगा, ठीक है, और नहीं तो दूसरा इसमें क्या होता है 100/1 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका चेंजेस होगा, जैसे कि मानिए 100 की जगह पे आप अपने लोड के हिसाब से यहाँ 200 या 500 जितना का भी सीटी यूज करिए, पर आपको बटा में एक होता है 5A और एक होता है 1A, ठीक है। मैं इसके ऊपर पिछले वीडियो में डिटेल में बताया हूँ, आप चाहे तो जाके वीडियो में देख सकते हैं। तो ये हमारी सीटी दो टाइप्स की आती है, एक बटा में 5A रहेगी, एक बटा में 1A रहेगी, बाकी आपकी सीटी की जो एम्स रहेगी यहाँ पर रहेगी, चाहे तो 100, 250, 300 आपकी लोड के हिसाब से ये रहेगी, पर आपको यहाँ पर दो ही टाइप की सीटी आती है, तो आप यहाँ समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए जो हमारी सीटी की सिग्नल होती है, जो कि हमारी सीटी की जो हमारी सिम्बॉल होती है वो कैसे होती है, ऐसे होती है। ये हमारी सीटी की सिम्बॉल, अगर कोई पूछ रहा है भाई हमको सीटी का सिंबल बताइए, तो आप इस तरह से जो कहीं पे भी अगर आपका सिंबल बना होगा तो आप समझिए हमारी सीटी की सिंबल है। उसके बाद हमारी सीटी में दूसरी इसमें क्या चीज आती है, दो पॉइंट आता है, हमारा S1 हो गया, सॉरी ये हमारा S2 है, ये हमारा S1 है। हमारी सीटी जो है ना, ये सीटी में हमारा टू पॉइंट आता है, एक आता है S1 और एक आता है हमारी S2, ठीक है। और भी देखिएगा आपको P1 और P2 भी लिखा मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर बात करूंगा क्यों ऐसे लिखा रहता है। तो ये आपको दोनों टाइप्स के लिखे मिलेंगे, या तो S1 S2 मिलेंगे, नहीं तो P1 P2 मिलेंगे। तो मैं इस सबके ऊपर पिछले वीडियो में डिटेल में बात किया हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे इसको चेक कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारी सीटी है 100/5 की, मैं आपको यहाँ पर बता दिया आपके पास कितनी की भी सीटी है, तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमारी सीटी कितनी है 100/5, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं 100/5, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 100 में क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हमारी कितनी आ जाएगी 20, ठीक है ना। आप यहां से वहीं अगर हमारी सीटी होती ये मतलब इस रेंज की होती, जैसे 100/1, मैं आपको टू टाइप बताया था, फर्स्ट अगर मान लीजिए हमारी सीटी होती 100/1, ठीक है, मतलब 100/1 एक होती, तो हमको यहाँ भी 100 से 1 में डिवाइड करना होता, तो यहाँ पे कितना आता हमको 100। तो पहले आपको यहाँ पे समझना है, आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। आपकी सीटी किसी भी रेंज की हो सकती है, मानिए यहाँ पे अगर वहीं हमारी सीटी होती कितना 1000/, यहाँ पे हो जाती 5A, नहीं तो 1000/ हो जाती यहाँ पे 1A। तो यहाँ पर भी आपको सेम करना है, यहाँ पे भी 1000 में आपको 5 से दीजिएगा तो आपको 200 यहाँ पे आएगा, और 1000 में यहाँ पे 1 से करिएगा तो यहाँ पे क्या होगा 1000 आ जाएगा। तो आप यहाँ पहले समझ गए, आपको सीटी को पहले ऐसे आपको निकाल लेना है, जितना की सीटी रहेगी उतना में जितना का बटा आपको दिया रहेगा 5 या 1, उतना से आपको क्या करना है यहाँ पे डिवाइड करना है। 100 में हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ये आ गई हमारी 20। अब हम सीटी को कैसे चेक करते हैं, देखिए जो हमारी सीटी की कनेक्शन कैसे रहती है। मान लीजिए ये हमारी एक हो गई फेस, ठीक है ना, ये फेस से एक हमारी वायर निकली, ये हो गई हमारी मोटर, ठीक है ना, ये हमारी मोटर हो गई। मोटर में इधर से चलिए हमने लगा दिया न्यूट्रल, और ये हो गई हमारी मोटर, और यहाँ पे चलिए हम कनेक्ट कर दे रहे हैं अपना सीटी, ये हमारी हो गई सीटी। आप कहीं भी देखते होंगे हम सीटी को क्या करते हैं, वायर के अंदर डालते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी सीटी है, अगर हमको इस वायर में कनेक्ट करना है तो हम इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, इसके बीच में सीटी रहती है, ऐसे हम इसको लगाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लगा लेंगे, और यहाँ पर फिर क्या करेंगे, हम क्लैंप मीटर लगाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी क्लैंप मीटर, जैसे कि ये हमारी जो क्लैंप मीटर रहती है, जो कि इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे वायर डालते हैं तो हमारे यहाँ पे मेजर करते हैं। ये भी एक टाइप की सीटी होती है, ठीक है ना। आप यहाँ पे डालिएगा तो यहाँ पे अपनी करंट बताती है। तो आपको क्या करना है, किसी सीटी को अगर लोड में चेक करना, मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकली वीडियो बनाऊंगा लोड में कैसे इसको आप जाके खुद वहाँ पर कैसे चेक करिएगा, मैं प्रैक्टिकली भी वीडियो बनाऊंगा, पहले आप यहाँ पर समझिएगा तो वहाँ पर समझने में आपको और आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम एक फेस दिए कहाँ, अपना मोटर में। अब हम क्या करेंगे, मोटर को जैसे यहाँ चालू करेंगे, ये देखिए ये हमारी हो गई S1 और ये हो गई हमारी S2, जो कि हमारी सीटी की, ये हमारी सीटी की हो गई, ये हमारी S1 हो गई, ये हमारी S2 यहां पे हो गई। अब यहां से जैसे हम मोटर को रन करेंगे, अब जैसे रन करेंगे इसमें हमारा करंट फ्लो होगा, मान लीजिए इसके अंदर हमारा करंट फ्लो रहा है 50,
50 एम्पियर हमारा करंट फ्लो इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। अब जब जो हमारा 50 एम्पियर जो करंट फ्लो हो रहा है, तो अब हम इसको कैसे चेक करेंगे। मानिए आप यहाँ पे क्लेम मीटर लगाइएगा, तो वायर के अंदर आपको यहाँ पे 50 आ गया, यहाँ पे 50 आ गया। अब आपको पता कैसे चलेगा हमारे सीटी सही है खराब है, उसके लिए हम क्या करते हैं देखिए। अब जो हमारी जो यहाँ पे देखिए जो हमारी ये 100 बटा जो आप यहाँ पे 5 किए थे, देखिए ये हमारी 100 बटा जो 5 होती है यहाँ पे आई थी कितनी 20। अब आपको यहाँ पे पहले जितनी की आपकी सीटी होगी उतना में पहले आपको डिवाइड कर लेना है 20। आपको जितनी भी आएगी यहाँ पे अगर 500 है तो आप इसको 5 से करेगा तो यहाँ आपकी 100 भी आ सकती है। तो आप अपने सीटी के रेंज से अभी जो मेरी सीटी है ये हमारी 100/5 है, मैं बता रहा हूँ। आप ऐसे किसी को भी कर सकते हैं, चाहे 100/1 भी हो चाहे जो भी हो, जो कि मैं यहाँ पे आपको बताया था। अब देखिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारी जो सिटी में एक जो हमारी करंट फ्लो हो रही है, अब यहाँ पे हमारी कितना आएगा ये 50। तो अब जो हमारी ये 50 है ना, ये 50 को हम क्या करेंगे, ये हमारी 20 आई है ना, हम इसको 20 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारी एम्पियर है। तो हमारी कितनी आ जाएगी, आप इसको करिएगा तो कितना आ गया आपको 2.5 आ जाएगा, ये आपकी 2.5 एम्स यहाँ पे आ जाएगी। आप यहाँ पे फिर से समझ लीजिएगा, आपको यहाँ क्लेम मीटर लगाना है अपने उस वायर में जिसमें आप सीटी को डालें चेक करने के लिए। आपको अगर करंट 50 एम्स आ रहा है तो आपको सीटी का यहाँ पता नहीं चल रहा है, तो आपको 50 एम्स करके आपकी सीटी 100/5 है, तो 5 से डिवाइड करिए यहाँ पे 20 आ जाएगी, और फिर जो 50 है इसको 20 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा 2.5 एम्स आएगा। मतलब जो आपकी अगर सीटी अगर यहाँ पे 2.5 एम्स, और फिर आपको क्या करना है सीटी, आपको जो क्लेम मीटर है अपने सीटी के इस वायर में लगाना है, ठीक है। ये हमारी S1 S2 है ना, आपको ऐसे लगा के चेक करना है कि हमारी इस वायर में जो होगी ना एक करंट 2.5 एम्स मिलेगी और इसमें भी 2.5 एम्स मिलेगी। अगर 2.5 एम्स से ज़्यादा मिल रही है तो आपकी सीटी क्या है उस टाइम में खराब है, आपको 2.5 मिलेगा। तो ये तो आप एक पॉइंट समझ गए होंगे, इससे भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे चेक करके। इसका जो दूसरा पॉइंट क्या होता है, अब वहाँ पर भी चलिए हम मान लीजिए यहाँ पे बना रहे हैं हम एक मोटर, ये हमारी हो गई एक मोटर, ठीक है। यहाँ पे हमने कनेक्ट किया न्यूट्रल, ठीक है, यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया न्यूट्रल, ये हमारी हो गई फेस। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी हो गई सीटी। अब इस केस में आपको कैसे चेक करना है, मान लीजिए आपको अब सीटी चेक करना है, जैसे कि आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे समझ गए होंगे। अब दूसरा आपको चेक कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या करना है, जो आपकी सीटी होगी, अब जैसे आप यहाँ पे लगा दिए आपकी सीटी कनेक्ट है लोड में, आप क्लेम मीटर को ऐसे सीटी के वायर में लगाइए इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। उस टाइम में मानिए आपको कितना करंट मिल रहा है सीटी से, तो मान लीजिए अगर आपकी सीटी जो है यहाँ पे 4 एम्स की करंट ले रही है, जैसे मानिए S2 हो गई, ये हमारी S1 हो गई, तो जब आप सीटी को यहाँ से जब यहाँ पे इस मोटर को स्टार्ट करिए तभी इस सीटी में करंट बनेगी, नहीं करिएगा तो नहीं बनेगी। जैसे मोटर स्टार्ट करके इसमें आपको करंट बताने लगेगा, तो इसके अंदर जितना भी करंट फ्लो हो रहा हुआ है सीटी में, तो वो आपको मान लीजिए अगर इस सीटी में आपको करंट फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर, ठीक है, मान लीजिए इसमें भी आपको 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप कैसे चेक करिएगा। मान लीजिए हमको जब सीटी चेक करना हो तो ये तो पहला ऑप्शन ऐसे था। अब मैं दूसरा पे बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, जैसे हमने 100/5 हमारी 100/5 की सीटी है तो यहाँ पे 20 आएगी, तो यहाँ पे हम कर देंगे 20 और यहाँ पे गुना करेंगे कितना आ रही है 3, तो 3 करेंगे तो यहां हमारी 60 एम्स हो जा रही है। मतलब क्या है, उस कंडीशन में हमारी जो ए वाली पॉइंट है ना, देखिए उस कंडीशन में जो हमारी ए वाली पॉइंट है यहां पे हमारा 60 एम्स फ्लो होना है। तब आपको क्या करना है, फिर क्लेम मीटर से इस पे लगाना है और देखना है कि हमारी 60 एम्स जो है फ्लो हो रहा है कि नहीं। अगर आपको सीटी चेक किए 3 एम्स आ रही है तो आपको फिर इसी फार्मूला से यहां पे आपको बटा करके 20/3 करना है, 60 आ जाएगी, और फिर यहां पे आपको चेक करना है क्लेम मीटर लगा के इस वायर में हमारी 60 फ्लो हो रहा है कि नहीं। अगर आपकी वायर में 60 एम्स फ्लो हो रही है तो आपकी सीटी सही है, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से सीटी को चेक कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, इस तरह से हम सीटी को चेक करते हैं। तो अब मैं इसको प्रैक्टिकली भी चेक करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो संबंधित अगर कोई भी शिकायत हो, अगर आप कुछ भी वीडियो में नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।